व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस, तो कैसे हो आप लोग? बस मुझे कमेंट करके बताना कैसे हो, बाकी बात फिलहाल जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं आप लोग के से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, बिकॉज मैं स्ट्रीम करने में बिजी था, लेकिन मेरा स्ट्रीम जो है नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, या तो इंटरनेट कनेक्शन या फिर ऐप में कोई दिक्कत है। बाकी जो भी है बहुत जल्द मैं स्ट्रीम करूँगा। फिलहाल बात करता हूँ इस गेम प्ले की। मैं आता हूँ सबसे पहले मिलिट्री के बिल्डिंग में और मुझे मिलती है शॉटगन, तो ऊपर तो कुछ होने वाला है नहीं इस गन से, तो मैं नीचे आके अपनी गांड बचाता हूँ सबसे पहले। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। तो भैया वो तो थी मेंटोस जिंदगी। बाकी फिलहाल मैंने गर्वन छान मारा, मेरे को M4 मिली और शॉटगन मिली और मैं इसको लेकर आ गया हूँ अपने टीममेट का बदला लेने। और फिलहाल मैं ऊपर चलता हूँ, मुझे बंदा दिखता है, एक प्री फायर दिया मैंने, बंदा उसमें बच जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं कवर में गया, रिलोड किया और इस स्प्रे के लिए ना अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो डूब मरो यार। मतलब क्या करूंगा ना मैं तुम्हारी मुसड़ी के तेरे गांड में डाल दूंगा मैं। तो मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई लोग, सीरियस मत लेना उस बात को। अगर स्प्रे अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी यहाँ पे मैं आता हूँ, मुझे एक बॉट मिलता है, मैंने इसको नॉक किया और फिलहाल मैं इसको जा ही रहा होता हूँ इसको ख़त्म करने के लिए कि तभी मुझे साउंड आते हैं कुछ टावर की तरफ से। सबसे पहले मैं इसमें से एक गन उठाऊंगा ताकि आगे जो फाइट होगी उसमें मेरे को मदद मिलेगी। और मैं सबसे पहले यहाँ पे कवर आता हूँ, फिर मुझे बहुत तेज़ साउंड आता है जब भी मुझे एक बंदा दिखता है जो कि नॉक होता है। मैंने उसको पहले एक प्री फायर दिया और अब इसको मैं पूरा ख़त्म करूँगा। तो ये बंदा बोल रहा होगा ना भाई कि मेरी ना सही में सही तो देख रहे हो ना क्या ही हुआ पड़ा उस बंदे के साथ। फिलहाल मैं यहाँ पर आता हूँ, एक एनर्जी ड्रिंक लगाते हो कि मुझे एक बंदा दिखता है और इस भाई के ना मतलब इसके ना इतने फूले पड़े हैं ना कि ये बंदा जो ना अंधाधुंध रश करने वाला है, तो जब इसकी रश होगी ना तो ये फुलाने के बाद जो हाल होगा उसका ये होने वाला है। गांड ना फुलाओ, मार चोर देंगे। तो भाई सही कहते हैं ना कि इतनी ना फुलाओ कि तुम्हारी समझ जाओ बस। और मैं इधर आता हूँ, मुझे एक बंदा दिखता है, मैंने एक प्री फायर दिया, तभी यहाँ पे बंदे ने मतलब इसकी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं है। ये बंदा ना 100 RP का सूट पहन के ना सोच रहा है मेरे पास इतनी ताकत है ना कि इसको सामने जाके मारूंगा। तो ये सामने जाके मारोगे ना सामने तो ये होने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमसे तो यहाँ पे फिलहाल तुमसे तो नहीं हो पाएगा, जिससे होगा वो आगे दिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आता सबसे पहले कवर में क्योंकि मुझे गोलियाँ पड़ रही थी और ये हुआ मेरा कल्याण। और यहाँ पे मेरा टीममेट नहीं होता ना, अगर टीममेट नहीं होता तो सच में पता है मेरी क्या हालत होती। तो हाँ मतलब वहाँ से रिवाइव होने के बाद मैं इधर आता हूँ क्योंकि सामने होती है एक और टीम। तो अब बस देखो इस टीम को कैसे बजाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ ताकि जब सामने जाऊँ तो उनकी क्लियर फुटप्रिंट्स लेकर के अच्छे से उनकी पोजीशन का पता लगा करके मार सकूं। तो अब देखो बस ये बंदा रंगबाजी पेला था तो इसके साथ हम देखो क्या ही करेंगे। सबसे पहले हम कवर में आए क्योंकि मुझे लगा कि ऊपर बंदा, और ये देखो मतलब कि भाई रंडियों के ढाबे पे गांड मारने के ढाबे पे, मतलब कि भाई किसी के ढाबे पे खड़े होके तुम मार रहे थे क्या? इतनी आसानी से मार दोगे क्या बे? मतलब चूतिया समझा है क्या भाई? अभी फिलहाल मैं इसको फिनिश करूंगा और इसे थोड़ी बहुत लूट लूंगा। और लूट लेने के बाद ना भाई अब तुम देखते जाओ, यहाँ पर एक बंदा जो है ना वो कैंप कर रहा है, इसी का टीममेट है और वो है इस घर के अंदर। तो अब बस देखो मेरा लौड़ा कुछ नहीं। तो भाई साहब सुन रहे हो ना कि अजी मेरा तुम मारोगे हमें। मुझे लगता है सामने से बंदे आएंगे तो मैं एक ग्रेनेड खींच लेता हूँ, लेकिन बंदे तो आते नहीं हैं। फिलहाल मैं बैंडेज लगाता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी हील वगैरह करूँगा। और अब जो मतलब अभी जो यहाँ पे एक स्क्वाड आने वाली है ना, उस स्क्वाड के साथ क्या ही फाइट होने वाली है, उसके लिए ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और इस गेम प्ले के अंदर ना भाई एक बात और कि इसमें ना स्नाइपिंग मतलब थोड़ी बहुत कर लेता हूँ मैं अभी यार, तो थोड़ी बहुत स्नाइपिंग मैंने भी की है। फिलहाल मेरा एक बहुत ही टट्टी जैसा प्रयास किया हुआ एक ग्रेनेड जाएगा और वो भी देखिए कैसे, मतलब कि भाई बाहर ही गिर गया। चलो कोई नहीं, दूसरा ग्रेनेड लेते हैं और इसको फेंकते हैं इधर, बिकॉज़ वहाँ से अगर उनको लगाओगे वहाँ पे आएंगे तो एक ग्रेनेड यहाँ पे फेंकना ज़रूरी था। लेकिन तभी मुझे फुट आता है कि सारे बंदे तो ऊपर है भाई, मैं नीचे क्या कर रहा हूँ।
तो बस देखो अब ऊपर जाके उन सब बंदे को कैसे बजाने वाले अपन लोग। और उसके लिए ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना भाई, बिकॉज ये सारे के सारे ना रैंक पुशर्स होते हैं, और रैंक पुशर्स को मारने के लिए ना भाई क्या ही बताऊं। तो अब देखो, अरे चचा कहाँ टहल रहे हो, कहाँ कहाँ टहल रहे हो हमको ये बताओगे। अब मैंने यहाँ पे इसको नॉक किया और डायरेक्ट मैं उसके पास घुसा, सामने वो देखो मैंने सही मान ली, लेकिन इतने में मेरा टीममेट इसको मार देता है। तो भैया इस स्क्वाड के साथ ना हिलाते बिट्टे कौन देखते, हिलाते बिट्टे हिलाते बिट्टे हिलाते बिट्टे इस स्क्वाड के साथ पता है यही होता है, क्योंकि ये ना हिलाते बनते और वो देखते, हिलाते बनते और वो देखते। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लूट फूट करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, मतलब कि अब हम लोग मिलिट्री से निकलने के बाद आते हैं यहाँ पे पोचिंकी में, और मुझे पोचिंकी में कुछ फायर के साउंड आते हैं, और तभी मुझे गाड़ी भी दिखती है और वो गाड़ी जा रही होती है। तो मैंने एक ब्रीफ मतलब एक बॉट फायर दिया ताकि वो जो लोग हैं इस तरफ की ओर आ जाए, और भाई वो लोग आ भी जाते हैं। और देखो क्या ही कितना डैमेज पड़ा है उन बंदों को, मतलब कि कोई एक मतलब पाद मार देना बंदा तो वो उड़ जाए। तो इन बंदों को देखो कैसे ही मारेंगे, यहाँ की जो फाइट होने वाली है ना बहुत ही इंटेंस होने वाली है। तो गाइस इस क्लच के लिए भी ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही देना, बिकॉज कि मतलब यार देखो इतने क्लचेज इतने वगैरह मिल रहे थे यार, एक लाइक करना में कुछ नहीं जाता मेरा भाई, कुछ भी नहीं। फिलहाल मैं एक मौली करता हूँ सामने वाले घर में, मुझे लगता है एक बंदा है, बट वो बंदा कूद करके अपने टीममेट के पास चला जाता है सामने वाले घर में। तो मैं भी सोचता हूँ कि एकदम पूरा उधर से घूम के जाऊँगा, बिकॉज सामने से जाऊँगा तो वो तो फेल देंगे। तो मैं इधर आता हूँ और वो देखो बंदा कैसे जाता है अंदर, मतलब कि भाई क्या ही बोलूँ मैं। अब मैं फिलहाल यहाँ से इस घर के अंदर जाने वाला हूँ, जो मेरा टीममेट पूछता है कि बंदे कहाँ हैं। अबे सुअर तेरे को बंदों की आवाज़ नहीं आ रही है भाई, क्या ही बोलूँ मैं। मैंने एक वेस्ट लिया, बिकॉज वेस्ट लेना जरूरी है मेरे पास, एक वेस्ट मिलता है मैं क्लोज नहीं जाता तो भाई का कुत्ता बना देते मेरा। फिलहाल ये फाइट इंजॉय करो तुम लोग, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला इसके अंदर, बस ये इंजॉय करो और बाद में कमेंट करके बताना इसका फेवरेट पार्ट कौन सा था। पैनिक रूम में नहीं है कोई भी, इधर बैठ। सही बताओ ना, लास्ट वाला बंदा इतना चूपा था ना, तो उसके साथ तो यही सीन होने वाला था कि भाई बहन डर गई बहन डर गई। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे दो प्लेयर होते हैं, वो अब हम चलाने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं गेम प्ले के अंदर। और यहाँ से लूटपाट करके हम निकल ही रहे होते हैं कि तभी हमें पीछे से साउंड आता है कि हाँ भाई कुछ बंदे तो हैं पीछे की तरफ, और तभी मेरा टीममेट मुझे कंफर्म कर देता है कि हाँ भाई कोई तो है पीछे, और यहाँ पे मुझे कुछ बंदे भी दिखते हैं। बट यहाँ पे एक फायर करता हूँ भाई यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ कि भाई डायरेक्ट रश करते हैं, सिर्फ एक बंदा होगा, लेकिन भाई वक्त रहते मैंने बंदों को देख लिया भाई मेरी, नहीं तो वो जो लगाते ना। फिलहाल इस ओम की शॉट के लिए ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जाओ चैनल पे जाओ और जा करके जल्दी से चेकआउट करो चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और इस क्लच के लिए तो भाई साहब क्या ही बोलूं। अब वहाँ पे एक नॉक हुआ, इसका मतलब तीन बंदे बचे होंगे फिलहाल, तो तीन में से एक रिवाइव कर रहा होगा, बचा होगा दो, तो उस दो को कैसे मारेंगे बस देखते जाओ। यहाँ पे फिलहाल जो रिवाइव हो रहा था उसको मैंने फिनिश किया और जंप किया प्लस डिबल करते हुए इसको नॉक किया, और तभी मेरे टीममेट का कॉल आता है, भाई भाई तू जल्दी आ जा, भाई भाई तू जल्दी आ जा वरना मैं ले लूँगा। मतलब ये बंदा ना क्या ही बताऊँ, इस बंदे को तुम देखना बस, ये बंदा कहीं रुकता नहीं है, मतलब कि इतने सारे पेड़ आते हैं बीच में ये रुकता नहीं, बोलता नहीं भाई हमको तो तुम मार के बताओ, हम तो ऐसे ही जाएंगे, तो ले भैया हम तो तुम्हें मार देते हैं। मार देने के बाद यहाँ से मैं बस अपनी गाड़ी वाड़ी उठाऊँगा, और गाड़ी उठाने के बाद अपने टीममेट को रिवाइव करूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा।
और भाई साहब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं रोजोक के अंदर, यहाँ पर मुझे कुछ फाइट मतलब ड्रॉप के पास आता हूँ लूटने के लिए, तभी मुझे कुछ फाइट और एक गाड़ी दिखती है। अभी सामने मैं स्कोपिंग करने वाला हूँ, यहाँ पे तो भाई साहब कोई नहीं दिखने वाला, तो यहाँ तो मेरे साथ हो जाता है भैया। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। तो मतलब समझ रहे हो ना, हम भी पहले गए थे और तुम भी पहले जाओगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से गाड़ी उठा करके डायरेक्ट रश करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ना बस तुम देखो इस स्क्वाड को भाई, बड़ी बीट स्क्वाड होती है भाई यहाँ पे, तो मतलब मेरे मतलब पसीने वसीने निकल जाते इनको मारने के लिए, और वो कैसे बस तुम देखते ही जाओ। मतलब मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले तो मुझे लगता है यहाँ से एक एंगल बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, लेकिन जब ही तभी मुझे यहाँ से एक बंदे का एक टकला दिखता है। ये देखो ये बंदा, तुम्हें भी दिखा होगा कुछ वहाँ पे, वो देखो। तभी मैंने एक फ्री फायर दिया, ये बंदा अंदर की तरफ गया। अब मैं कवर में आया, रिलोड किया, और ये बंदा चला जाता है ऊपर। तो वहाँ पर ना उस बंदे को तो मेरा टीममेट कर देता है नॉक। फिलहाल मैं इधर आता हूँ स्क्वाड हाउस के अंदर, जिसको मैंने गिली सूट वाले को डैमेज किया था, और अब मुझे पक्का पता चल चुका था कि भाई जब कोई बंदा फटती है ना, तो वो फटवाने के बाद में सिलवाने के लिए एक ही जगह जाएगा, और वो जगह ना होती है यहाँ। मतलब भाई पैर फिसल गया मेरे बंदे का, नहीं तो भाई साहब ये तो पूरा ही जाता। मेरे पहुँचने से पहले मेरे टीममेट ने ऊपर गया, मैं पहले फिलहाल तो टीम पी लेता हूँ, बिकॉज देखता हूँ बंदा कहाँ है। इतने भाई बंदा वो रश करेगा, मैं टीममेट को मार देगा, तो भाई साहब बस देखो यहाँ पे तो ख़त्म इसकी कहानी। अब वहाँ की फाइट के बाद फिलहाल मैं गाड़ी लेकर आता हूँ इधर, जहाँ मुझे कुछ बंदे स्पॉट होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सांप के दर्शन हो जाए, और वो सांप के दर्शन तो मैं होने वाले यहाँ से, ये देखो। अगर उसको मेरे टीम में भी मार करना है, तो वो तो मेरी मतलब इधर धोती सुखाएगा और मतलब देख रहे हो ना, अगर यहाँ पे मेरी पेटी बन जाती ना, तो यहाँ पे बाबू भैया जो है वहाँ पे सुखाते धोती, मतलब धोती सॉरी, मेरे थोड़ी सी जवान फिसल गई। सामने से मुझे एक बंदा दिखता है, और इस बंदे का मैं हार्ट पिक करके वेट करता हूँ बस देखे, लेकिन मतलब क्या हो जाता है इसके टीममेट के साथ भाई, इसकी जगह जगह टीममेट मिल जाता है। लेकिन जो भी है, जहाँ की फाइट खेले ना, मतलब यहाँ पे जो फाइट होने वाली है ना गाइज, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मार देना, मतलब ठोक देना। मतलब अब तुम बस देखो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा इसके अंदर, बस देखो मतलब यहाँ पे बंदा सामने दिखता है, और इतनी टट्टी, इतनी टट्टी एमिंग होती है ना, मेरे को अपने ऊपर हंसी आती है भाई। यहाँ पर मैं लगा दूँ सबसे पहले एक हीलिंग, और तभी मेरा टीममेट की तरफ से कॉल आता है कि हाँ भाई मैंने एक बंदा यहाँ पे कर दिया है नॉक, अब तू घुस सकता है आराम से। तो यहाँ पे मेरे पास नेट तो था नहीं, तो इससे पहले जब तक वो रिवाइव हो, मैं सीधा अंदर घुसता हूँ, और सीधा अंदर घुसने के बाद मैं क्या देखता हूँ भाई साहब, यहाँ पे बंदा नॉक है, और यहाँ नीचे आया, और सामने से ये बंदा आएगा मेरे को मारने के लिए। और मतलब देखो भाई साहब तुम, ये बंदा चाहता क्या है मुझे समझ नहीं आती। ये देखो यहाँ पे इसको हेड पड़ा, ये बंदा तो गया, अब देखो उस बंदे को भी कैसे मारेंगे। तो इस क्लच के लिए ना, मतलब जो भी है ना, इस कैंपिंग या फिर इस क्लच के लिए, मतलब क्या कहूँ, क्लच या कैंपिंग, जो भी तुम्हें अच्छा लगे कमेंट करके बता दो बस। इस बंदे को क्या करना चाहिए जो ऐसे कैंपिंग करके बैठ जाते हैं। बाकी अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यहाँ पर पे। फिलहाल भाई सामने से आती है एक गाड़ी, तो मैं सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, इस घर के ऊपर चढ़ देता हूँ, ताकि मुझे कोई अच्छा सा मतलब व्यू मिल सके। और क्या ही व्यू मिलता है ना इस मतलब इस ओम की शॉट के लिए ना भाई, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है मेरे भाई इस ओम की शॉट के लिए। तो बस देखो क्या ही होने वाला है। यहाँ पे मुझे दिखा एक मतलब कुछ खोपड़ी दिखेगी काली सी, तुम लोगों को शायद दिखी ना हो, तो भाई वीडियो को पीछे ले जाना और पॉज करके देखना, तुम्हें कुछ खोपड़ा दिखेगा। ये देखो मतलब कि भाई सॉरी गाइस, भाई प्री फायर तो ख़त्म, मतलब वो तो बंदा ख़त्म हो गया, लेकिन सॉरी फॉर डैट कि वो बंदा नहीं था। अभी बंदा दिखेगा जिसने मेरे टीममेट को मार दिया, और इस बंदे के ऊपर कितनी डैमेज दी मैंने, मतलब कि अब ये बंदा ना इस ओम की शॉट में ना भाई साहब नॉक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा लेकर आया था भाई। पहले मैंने रिलोड किया, तो भाई अब हो गया शानदार और एक डिलीशियस चिकन डिनर आप लोगों के लिए। तो गाइस जाते जाते लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, और जिन लोगों को भी भाई वीडियो में कुछ भी गंदा लगा हो तो मेरे भाई माफ़ करना, और कमेंट सेक्शन में करके बताना कि मतलब आगे से मुझे वो चीज़ डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग मेरे भाई।